हेलो बच्चों आज हम रिवाइव करने जा रहे हैं हमारा मोस्ट यूजियस चैप्टर जिसका नेम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखें कि हमारे सराउंडिंग में आपके आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट किससे बनते हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई मटेरियल है जैसे कि आपका घर बना हुआ है उसके अंदर बहुत सारा मटीरियल उसके अंदर ब्रिक्स यूज़ की गई सीमेंट यूज़ किया सॉइल यूज़ की गई है कि नहीं ऐसे आपकी कोई ड्रेस है उसके अंदर फैब्रिक यूज़ किया गया कुछ डेकोरेटेड मटेरियल यूज़ किया गया होगा तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उनको बनाने के लिए कुछ मटीरियल चाहिए होता है है ना तो मटीरियल क्या है वो है आर यूज टू मेक एनी ऑब्जेक्ट अगर हम मटीरियल को डिफाइन करें तो क्या होता है मटीरियल ठीक है मटेरियल क्या होता है बहुत काइंड का मटेरियल जिससे ऑब्जेक्ट बनते हैं मींस द सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू मेक एनी ऑब्जेक्ट सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड विच आर यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट जो चीजों को बनाने के लिए यूज होते हैं बेटे एक मटेरियल जो है एक मटेरियल वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकता है बहुत सारे मेनी ऑब्जेक्ट बना सकता है भाई ठीक है जैसे कि प्लास्टिक है प्लास्टिक से क्या है टिफिन भी बनते हैं चेयर भी बनती है बकेट भी बनती है ऐसे वुड है उसे फर्नीचर भी बनता है आपकी पेंसिल भी बनती है बहुत सारा मीन्स एक मटेरियल बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज किया जा सकता है तो उसके बाद है चैप्टर जो है हमारा सॉर्टिंग मटेरियल इंटू ग्रुप्स इतना सारा मटेरियल है भाई उनको हमने अरेंज करना है ग्रुप्स के अंदर क्यों हम उनको ग्रुप्स के अंदर अरेंज करें ऐसे एक बिखरा पड़ा है मटेरियल तो उनको हमने सेपरेट करना है ठीक है आपके घर में जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसके अंदर ऐसे आप मटेरियल लेके आते हो मार्केट से वहीं पे सीमेंट फेंक दिया आपने वहीं पे सैंड फेंक दी कुछ फर्नीचर के लिए वुड लेके आए कुछ आयरन लेके आए तो ऐसे मिक्स अप था तो फिर आपने सोचा कि सभी को सेपरेट कर लें ठीक है ताकि फिर इजी इजीली आप उसको यूज़ कर सको अगर आपको सीमेंट की जरूरत हो तो आप सीमेंट इजीली पिक कर लोगे वुड की जरूरत है वुड पिक कर लो, तो पिक कर लो ऐसे अगर वो मिक्स हुआ, हुआ हुआ है तो डिफिकल्टी हो जाएगी ठीक है आपका काम क्या होगा फिर स्लो हो जाएगा मीन्स कोई भी वर्क है उसको ईजी करने के लिए हम सॉर्टिंग कर देते हैं चीज़ों की ऐसे हम किचन के अंदर भी आप देखते हो कि आपकी मदर ने कैसे अलग अलग से वो कंटेनर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड का मटीरियल रखा होता है फिर वो ईजिली पिक कर लेते हैं अगर एक ही बॉक्स के अंदर सारा मिक्स करके रख देंगे तो बहुत डिफिकल्टी तो हमें मिलता ही नहीं है, है ना कई बार आप अकेले होते हो तो घर में फिर मम्मा को कॉल करते हो कि मम्मा शुगर कहाँ पे रखी है फिर मम्मा बोलते हैं बेटे शुगर वाला अलग से रखा है ना मैंने कंटेनर ऐसे ऐसे फिर आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं ईजिली ठीक है ना बेटे तो शॉर्टिंग जो है ये क्या करती है टू मेक थिंग्स ईजियर हम चीज़ों को इजी करने के लिए कोई भी अगर आप काम कर रहे हो वर्क जैसे आप लिख सकते हो टू मेक वर्क इजी करने के लिए हम क्या करते हैं सॉर्टिंग करते हैं उसके अलावा टू सेव टाइम इससे हमारा टाइम भी क्या होता है सेव होता है ठीक है उस अगर हम साइंस में बात करें मटेरियल बहुत सारा मटेरियल है हम उनको स्टडी करना चाहते हैं हम उनको स्टडी क्यों करना चाहते हैं अगर हम उनको स्टडी करेंगे तभी उनको यूज़ करेंगे हमें पता है कि मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर है हीट का वोड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का तो फिर हम उनको इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करेंगे यूटेंसिल्स बनाने के अंदर यूज़ करेंगे क्योंकि हीट है भाई उनमें से पास होते हैं खाना गुना बनाना इजी हो जाएगा हमें उसकी प्रॉपर्टी पता चल गई वो लस्ट्रस हैं शाइन करते हैं तभी हमने ज्वेलरी बना ली ऐसे जो नॉन मेटल हैं वो डल होती हैं ठीक है ब्रिटल होती हैं फिर उनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाएगा है कि नहीं उसके बाद ऐसे बेटे अगर मटेरियल हम सॉर्ट आउट करेंगे फिर उनको इजीली स्टडी कर पाएंगे ठीक है अगर हमने इजी स्टडी कर लिया हमें उनकी प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी और हम उनको इजीली डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं टू स्टडी मटेरियल्स मटेरियल्स को स्टडी करने के लिए टू स्टडी मटेरियल्स हम क्या करते हैं सॉर्टिंग आउट करते हैं या फिर हम क्या करते हैं क्लासीफिकेशन करते हैं ठीक है बच्चे क्लासीफिकेशन किस बेसिस पे की जाती है मान लीजिए आपके रूम के अंदर फाइव कलर के बैलून है रेड है ब्लू ग्रीन पिंक येलो मिक्स है सारे आपके मम्मा ने क्या कि पहले रेड वाले लगाने हमने फिर येलो वाले लगाने फिर आपको क्या क्या मम्मा ने कि भाई सारे ना डिफरेंट डिफरेंट कर दो अरेंज कर दो रेड वाले एक साइड कर दो येलो एक साइड ग्रीन एक साइड फिर आपको पिक करना इजी हो जाएगा ऐसे तो फिर आप ढूंढते अरे रेड कहाँ है रेड कहाँ है ना मुश्किल हो जाएगी हमने इजी करा पहले हम क्या कर लेंगे सॉर्टिंग कर लेंगे सॉर्टिंग कैसे किया आपने सिमिलर को अलग कर लिया जो रेड थे वो अलग कर दिए जो सारे रेड थे मीन सिमिलैरिटी को देखा हमने किस चीज़ को देखा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैंने बोल्ड लेटर्स में लिख रही है उसको आप ध्यान से देखो सिमिलैरिटीज को हम देखते हैं मटीरियल की एंड डिफ्रेंसिस को देखते हैं किस बेसिस पे करी जाती है सॉर्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड एक है सिमिलैरिटी दूसरा है डिफरेंस चीज़ों के अंदर सिमिलैरिटी देखेंगे उनके अंदर डिफरेंस देखेंगे फिर हम क्या कर लेंगे उनकी इजीली क्लासिफिकेशन कर लेंगे तो भाई मटेरियल जो है उनके बीच कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं ठीक है तो हमने उनको चलो क्लासिफाई कर लिया हमने उनकी स्टडी कर ली प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करने के बाद प्रॉपर्टीज़ हमें पता चला कि उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कैसे कैसे होते हैं मटेरियल्स है, हमारे पास तो चलिए देखें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल्स की और कहाँ कहाँ पे हम उनको यूज़ कर सकते हैं चले मटीरियल की प्रॉपर्टीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है तभी तो हम उनको यूज़ कर पा रहे हैं ठीक है इतना ऑब्जेक्ट हमारे पास बने हैं ये तभी बने क्योंकि हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज पता चल चुकी हैं वो तभी चली ताकि पहले हमने उनको सॉर्टिंग किया था तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ को देखें तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं भाई सबसे पहले है हमारे पास जैसे कि अपियरेंस की अगर हम बात करें तो ठीक है अपियरेंस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो मटीरियल है वो होता है भाई लश् जो शाइन करता है शाइनी होते हैं दूसरा होता है हमारे पास नॉन लस्ट्रस जो डल अपियरेंस वाले होते हैं मीन्स जो शाइन करते हैं शाइन कौन करता है जैसे मेटल्स है ठीक है वो शाइन करती है जैसे गोल्ड को आप देखो सिल्वर को आप देखो कितना ज़्यादा शाइन करता है तो इनको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता है जो डल होते हैं डल इन अपियरेंस है तो उनको फिर ज्वेलरी वगैरह हम नहीं बनाएंगे उनको हम डिफरेंट वे में कहीं और यूज़ करेंगे है कि नहीं बच्चे उसके बाद ये तो अपीयरेंस की बात आ गई कि वो दिखते कैसे उनकी सरफेस कैसे है उसके बाद हम देखते हैं कि हार्डनेस हार्डनेस के अंदर दो तरह की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी एक हार्ड होते हैं दूसरे जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं सॉफ्ट ऑब्जेक्ट जैसे कि हम उनको पकड़ते हैं टच करते हैं हम उनको प्रेस कर सकते हैं हम जैसे उनको दबाएंगे तो वो दब जाएंगे जैसे स्पॉन्ज है जैसे कॉटन वूल का एक लंप ऐसे दबाते हो तो इजीली वो दब जाता है मीन्स वो सॉफ्ट होते हैं जैसे टेडी बियर बहुत सॉफ्ट होते हैं ना हम उनको दबाते हैं तो कितने सॉफ्ट है मीन्स वो मटेरियल क्या है सॉफ्ट है जिन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं विच आर इजीली कंप्रेसिबल ठीक है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं ईजीली कंप्रेस कर सकते हैं बेटा और जो हार्ड होते हैं जो क्या है कंप्रेस नहीं होते हैं नॉट कंप्रेसिबल जो क्या होंगे कंप्रेस नहीं होंगे दबेंगे नहीं जैसे कि ये बोर्ड है इसको दबाएंगे तो नहीं दबेगा ये हार्ड है तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बेसिस पे भी चीज़ें बनाई जाती हैं ठीक है ठीके? जहाँ पे हमें हार्ड मटेरियल की ज़रूरत है ठीक है जैसे आपने कोई वॉल खड़ी करी है वो हार्ड होगी अगर सॉफ्ट होगी तो फिर ऐसे दब जाएगी है ना तो हार्ड और सॉफ्टनेस देख कर भी चीज़ें बनाई जाती है जैसे टेडी बियर है तो हार्ड हम बनाएंगे तो वो तो हमें थोड़ा जैसे पिल्लोज आप यूज़ करते हो वो हार्ड होंगे तो हमारी नेक पेन होने लग जाएगी वो सॉफ्ट होते हैं स्पॉन्जी होते हैं उसके अंदर ऐसे मैट्रसेज होते हैं आपके सॉफ्ट होते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना अगर हार्ड बना देंगे तो ये बैक पेन होगा ना बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड पे नहीं सो पाओगे आप तो ऐसे मटीरियल की प्रॉपर्टीज को देखा फिर हमने उसको यूज़ किया बार, उसके बाद उसके बाद आता है सोलूबल एंड इन चीज़ें ठीक है सोलूबल एंड इन्सोलुबल कुछ चीज़ें जो है वो पानी में घुल जाते हैं विच डिज़ोल्व इन वाटर जो मटीरियल क्या है पानी में घुल जाते हैं डिजोल्व इन वाटर वो क्या होते हैं वो सोलूबल होते हैं जो नहीं डिज़ोल्व होते हैं डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं सब्सटेंसेस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर वो होते हैं इन बेसिकली यहाँ पे सॉलिड्स की बात की जाती है ठीक है सॉलिड्स को जैसे सॉल्ट है शुगर है अगर हम इनको पानी में डालेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वे सोलूबल है सॉलिड जब किसी पानी के अंदर घुलता है तो वो सोलूबल है अगर नहीं घुलता है तो वो इन है जैसे चॉक पाउडर हो गया वो नहीं घुलेगा, सैंड हो गई। ऐसे ही यहाँ पे एक वर्ड आता है मिसिबल एंड इमिसिबल ठीक है मिसिबल एंड इमिसिबल ये क्या होता है जो बेटा लिक्विड्स लिक्विड को भी तो हम पानी में डालते हैं जैसे अल्कोहल है उसको पानी में डाला अल्कोहल क्या है लिक्विड है ठीक है दोनों ही लिक्विड हो अगर चीज़ें ठीक है लिक्विड को लिक्विड में डाला वो घुल गया तो वो क्या है वो मिसेबल होता है अगर कोई लिक्विड पानी में ना घुले जैसे ऑयल पानी में नहीं घुलता है ऑयल को अगर आप पानी में डालोगे तो वो ऊपर फ्लोट करता है मिक्स नहीं हो पाता वो इमिसिबल होता है जहाँ पे हम लिक्विड्स को ही लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं लिक्विड लिक्विड इन ठीक है वहाँ पे हम टर्म क्या यूज करते हैं मिसिबल एंड इमिसिबल ठीक है यहाँ पे लिक्विड को ही लिक्विड के अंदर क्या किया जा रहा है घोला जा रहा है अगर घुल गया तो वो मिसिबल है अगर नहीं घुला तो इमिसिबल है भाई चलो ये भी होगी प्रॉपर्टी उसके बाद आ गया है हमारे पास ऑब्जेक्ट में सिंक और फ्लोट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर सकते हैं या फिर फ्लोट करते हैं सिंक के अभी डूब जाते हैं पानी में जो हैवी होंगे ऑब्जेक्ट वो पानी में डूब जाएंगे जो लाइट वेट होंगे वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे तभी तो फिर शिप बने बोट बने यही नहीं कि बहुत सारे हैवी मटेरियल की शिप बना देंगे वो तो फिर सिंक कर डूब जाएगी तो लाइट मटेरियल की बोट बनानी चाहिए शिप बनता है ताकि वो ईजिली फ्लोट करे और यहाँ पर डेंसिटी को भी देखा जाता है बेटे डेंसिटी जो होती है ये हम देखते हैं यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है लेस देन वाटर ठीक है अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है लेस देन वाटर तो फिर वो क्या करती है फ्लोट करती है अगर उसकी डेंसिटी मोर होती है पानी से ज्यादा है उसकी डेंसिटी फिर वो क्या करती है सिंक करती है ठीक है तो ये भी हमारे पास एक मेथड है चेक करने का कि कौन से ऑब्जेक्ट सिंक करेंगे और कौन से ऑब्जेक्ट क्या करेंगे फ्लोट करेंगे फर्स्ट आपके बुक में जो प्रॉपर्टी गिवन है वो है बेटे ट्रांसपीरेंसी ट्रांसपीरेंसी के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं चीजों को क्लासिफाई। ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे हमारे पास तीन टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। एक है भाई ट्रांसपेरेंट ठीक है दूसरे हैं हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट और तीसरा है हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट ठीक है भाई चलो ये क्या है ट्रांसपेरेंट होते हैं जिसके बीच में से हम क्लियरली देख सकते हैं थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली जैसे एयर है एयर के बीच में से हम क्लियरली देख सकते हैं ना बच्चे हमारे सराउंडिंग में एयर ही तो है हम इजीली सबको देख पा रहे हैं ठीक है थीके? थ्रू विच वी कैन सी इजीली थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली बहुत क्लियरली हमें दिखता है कौन कौन से ट्रांसलूसेंट सॉरी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं जैसे ग्लास है एयर है ठीक है ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट है वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है उसके बाद ट्रांसल्यूसेंट की बात करें जिसमें से हमें पार्शली दिखता है बहुत ज्यादा क्लियरली पार्शली ठीक है हाफ हम देख सकते हैं क्लियर दिखता है ये नहीं कि बिल्कुल ही दिखेगा दिखेगा लेकिन पार्शली दिखेगा इतना अच्छा नहीं दिखता हमें ठीक है ब्लर सा दिखेगा तो जैसे कि ऑयली पेपर होता है ऑयली पेपर जिसमें ऑयल लगा होता है उसके बीच में से अगर आप देखने की कोशिश करो तो वो क्या होता है ऐसे कलर्ड पेपर्स होते हैं ठीक है थीके? तो वो क्या होते हैं सारे ट्रांसल्यूसेंट उसके बाद ऑपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसके बीच में से दिखता ही नहीं है थ्रू विच वी कैन नॉट सी थ्रू विच We cannot see through which we cannot see. ठीक है बच्चे जिनके बीच में से हमें नहीं दिखता है तो वो होते हैं ओपैक जैसे कि कोई कार्डबोर्ड है उसके बाद जैसे कोई वॉल है ठीक है इनके बीच में से हमें नहीं दिखा अगर हम इनके पीछे देखना चाहे तो हमें नहीं दिखता और जो ऑपैक होते हैं इनका शेडो भी बनता है वो ये लाइट चैप्टर वाले में हम देखेंगे तो ये था बेटे हमारे पास चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स यहाँ पे हमने देखा है कि चीजों को सॉर्ट आउट हम करते हैं उनके डिफरेंस और सिमिलैरिटी को देख के ठीक है जैसे हमने उनको स्टडी कर लिया फिर हमें उनकी प्रॉपर्टीज पता चल गई इजीली हम सारे मटेरियल को स्टडी कर पा रहे हैं हमें उनकी प्रॉपर्टीज पता चलती जा रही हैं कि वो सॉफ्ट हैं हार्ड हैं सोल्यूबल है इनसोलूबल है, है, है ठीक है वो ट्रांसपेरेंट है ल्यूसेंट है और पैक है कैसे हैं अगर हमें उनकी प्रॉपर्टीज पता चल गई हैं फिर हम उनको वैसे ही यूज़ कर सकते हैं अगर हमें हमारे घर में ऐसा लगाना है शीशा कि हमें बाहर भी दिखे तो हम ट्रांसपेरेंट लगा लेंगे अगर आप चाहते हो कि मुझे बाहर नहीं देखना है तो फिर आप पैक लगा लोगे मीन्स जैसा आपको पर्पस है जैसा आपको काम है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि भाई ये मेरा काम है इस प्रॉपर्टी इस काम से कौन से मटेरियल की प्रॉपर्टी मैच करे जैसे कोई ज्वेलरी बनानी है वो शाइनी होगी तो हम मेटल्स को यूज़ करेंगे है कि नहीं हम ये थोड़ी डल मटेरियल की ज्वेलरी बना लेंगे फिर अच्छी नहीं लगेंगी हमारे ऊपर तो पर्पस देखना है हमने हमारा काम कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों की प्रॉपर्टी को देखते हैं फिर हम मटेरियल को चूज़ करते हैं और यूज़ करते हैं ये था बेटे चैप्टर सॉर्टिंग मटीरियल इन ग्रुप्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो मच